दीदी, आज हमने कक्षा में अपना वजन किया। मेरा वजन 20 किलोग्राम था। अच्छा, तुम्हारी लंबाई कितनी थी? हाँ, लंबाई भी तो मापी होगी ना तुम्हारी। हाँ, मेरी लंबाई 110 सेंटीमीटर थी। पर पिछली कक्षा में मैम ने कोणों के बारे में बताया था। क्या कोणों को भी माप सकते हैं? तो समकोण, समकोण से कम, समकोण से ज्यादा बताया था। क्या उनको भी मापा जा सकता है? 10, 20, 30, ऐसे उनके भी कोई माप होते हैं? ये तो तुम्हारी मैम ही अच्छे से बताएंगी। आज जब तुम कक्षा में जाना तो टीचर से इस बारे में पूछना कि क्या कोणों के कोई माप हैं, और माप हैं तो कितने मापते हैं। जिस तरह वजन को किलोग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आप सभी भी कोणों के माप जानना चाहते होंगे कि जैसे समकोण 90 डिग्री का है, अन्य कोण कितने डिग्री के हैं, और ये डिग्री क्या है। तो डिग्री, जैसे हम किसी चीज का वजन तोलते हैं तो किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, है ना, वो उसकी यूनिट है। इसी तरह जो कोण को मापने की यूनिट है, इकाई है, वो डिग्री है। तो ये तो आपको सिखाएंगे इसे कि किस कोण कोणों को कैसे मापें और कौन सा कोण कितने डिग्री का है, वो आप ज्ञात कर पाएंगे इस क्लास के बाद। इससे पहले आज हम जो भी हमने पिछली कक्षाओं में किया है उसकी एक थोड़ी सी दोहराई करेंगे, क्योंकि आज चैप्टर का कंप्लीशन है। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा आकृतियां और कोण। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया था। हमने जाना था बहुभुज को, तीलियों या स्केच पेन की, मतलब हमें सीधी रेखाओं की सहायता से हमने कुछ आकृतियां बनाई। उन आकृतियों को हमने नाम दिया बहुभुज। ये एक बहुभुज है, ये 5 भुजाओं वाली है, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा पंचभुज। और भी जितनी भुजाएं होती हैं उसके हिसाब से हमने बहुभुज के नाम जाने, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। तो ये हैं भुजाओं के अनुसार इनके नाम, और इनकी 2 भुजाओं के बीच की ये जो आकृति है इसको हमने नाम दिया कोण। देखिए, इस भुजा और इस भुजा के बीच की ये आकृति है कोण। इसी तरह इस भुजा और इस भुजा के बीच की आकृति, ये एक कोण। इस भुजा और इस भुज के बीच की आकृति, ये कोण। इस भुजा और इस भुजा के बीच की आकृति, कोण। इस भुजा और इस भुजा के बीच की आकृति, ये कोण। तो कोण माना 2 भुजाओं के बीच की आकृति है कोण, इसको हमने नाम दिया है कोण। अब हम जानेंगे कि कोणों में बदलाव करने से किस तरह से आकृति में बदलाव हो जाता है। यही 5 भुजाओं की ही होगी वो आकृति बहुभुज, पर उसकी उसको आप देखोगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देगी। सिर्फ बदलाव हम करेंगे कोणों में, भुजाएं हम 5 ही ले रहे हैं या 6 ही ले रहे हैं। आप इसी तरह से बना सकते हैं माचिस की तीलियों की सहायता से कोई पंचभुज या षटभुज आप भी बनाएं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी बनाएं, कोई पंचभुज बनाए, षटभुज बनाए, तीलियां ले, और अपने भाई बहन को भी कहें बनाए, तो आप देखिएगा कि दोनों की आकृति कितनी अलग है, और वो आकृति अलग क्यों है वो हम अब देख सकते हैं कि क्यों अलग है। क्योंकि जो 2 भुजाओं के बीच का कोण बदला गया है, आप देखिए। तो बच्चों, आप देखिए, मैं इस पंचभुज के कोणों में बदलाव कर रही हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि 2 आकृतियां बनी हैं 5 स्केच पेन की सहायता से, और दोनों ही कितनी अलग दिखाई दे रही हैं। सिर्फ बदलाव किस चीज में किया है मैंने,
कोणों में बदलाव किया है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कोणों में बदलाव करने से आकृतियां किस प्रकार से बदल जाती हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दिखा रही हूँ, ये षटभुज का है। षटभुज में भी इसी तरह से मैंने कोणों में परिवर्तन किया है। तो कोणों में परिवर्तन करने से देखिए किस तरह से आकृति बदल गई। इन दो पिक्चर्स में आप अच्छे से देख सकते हैं कि कोणों में बदलाव किस तरह से आया, कोण कम ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब आकृतियां बदल गई। अब आप सभी को यही अभ्यास करना है और अपनी गणित की पुस्तक का पेज नंबर 19 करना है, जिसमें आपको तीलियों की सहायता से नई नई आकृतियां बनानी है। कुछ आकृतियां दी गई हैं और कुछ आपको उनके कोणों को बदलकर बनानी है। आप सभी अब तो बना लेंगे, बहुत आसान काम है ना, ये तो एक मजे का खेल है। तो आपको ये खेल खेलना है और नई आकृतियां बनानी है। हम जान गए हैं कि एल आकृति समकोण बनाती है, तो उस आकृति के प्रयोग से हमें इन सभी चित्रों में जो कोण दिखाया गया है उस कोण को बताना है कि वो समकोण है, समकोण से कम है या ज्यादा है। तो देखिए ये पहली आकृति में ये समकोण है, तो हम समकोण के सामने टिक कर देंगे। इसी तरह से आप सभी को बाकी सभी आकृतियों के कोणों के बारे में पता करना है कि ये कैसे कोण है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 21 है, इसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, और अपने टीचर से चेक कराओ। अभी हमने देखा कि कैसे कोणों में बदलाव आकृति में बदलाव कर देता है, ये हम देख चुके हैं। और अब हम जान चुके हैं कि जो समकोण है उसका माप क्या है। समकोण का माप 90 डिग्री है। जब एल आकृति बनती है तो दो भुजाओं के बीच का जो ये कोण है वो होता है 90 डिग्री, या इसको हम समकोण भी कहते हैं। और जब ये भुजाएं और पास आ जाए तो ये जो कोण है ये है समकोण से कम। इसका अर्थ है कि ये 90 डिग्री से भी कम होंगे, पर कितना उसको मापना हम सीखेंगे। और जब ये दूर हो जाती हैं समकोण की अपेक्षा तो जो ये कोण है ये है समकोण से ज्यादा। अर्थात 90 डिग्री से बड़ा। तो इन कोणों के माप ज्ञात करना, पहले तो हम सीखेंगे अपनी एक डिग्री घड़ी बनाकर उससे, और फिर हम उसको सीखेंगे प्रोटेक्टर या डी की सहायता से। बाजार में मिलता है डी, उसकी सहायता से भी हम कोणों को मापना सीखेंगे इस वीडियो में। हमने त्रिभुज की बात की, चतुर्भुज की बात की, पंचभुज की बात की, षटभुज की बात की, क्या सभी ही समकोण होता है या 90 डिग्री का कोण होता है? समकोण तो नहीं होता ना। हम पिछले क्लासेस में हम ये जान चुके हैं कि आकृतियां बदलती हैं, कोण बदलते जाते हैं, और कुछ आकृतियों में तो दबाव देने से भी कोण बदल जाता है। तो उन कोणों के माप हम कैसे पता करें? समकोण का माप हमने जान लिया कि 90 डिग्री है, बाकी कोणों के माप हम कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए हम आज बनाएंगे एक डिग्री घड़ी, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक कैंची, स्केल, मार्कर, एक प्लेट और वाइट पेपर। तो बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेट को उल्टा व्हाइट पेपर पे रखकर
और एक गोला बनाए। अच्छे से प्लेट को पकड़ लेना है और फिर गोला बना। अब ये गोला जब बन गया है तो हम इसको काट ले। सभी भी अपना बना सकते हैं। हमने गोला काट लिया, आप सभी भी ऐसे काट लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से। एक बार और एक बार और इसको हमने दो बार फोल्ड कर लिया। आप भी इसी तरह से फोल्ड कीजिए। कर लिया फोल्ड सबने, अब इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनको आप मार्क कर दीजिए मार्कर और स्केल की हेल्प से। मैंने मार्क कर लिया, देखिए आप देख सकते हैं। जहां ये दोनों रेखाएं कट कर रही काट रही हैं कि इस वृत्त का केंद्र, इसको हम केंद्र बोलेंगे और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। ये हो गया केंद्र, देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से फोल्ड करें। अब आप बताइए कि ये जो कोण है कैसा कोण है, ये मैम ये समकोण है। समकोण है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी है और समकोण का माप है 90 डिग्री। तो जो ये रेखा है ये कितने डिग्री की हुई, 90 डिग्री। इसको मार्क कीजिए और लिख लीजिए 90 डिग्री। दो समान भागों में काट लेंगे। तो ये हमारी रेखा आई थी बीच वाली, इस पर हम काट लेंगे, इसके दो भाग कर रहे हैं। गोले को इस अपने इस आधे गोले को एक बार और फोल्ड करेंगे। कर लिया, तो ये जो हो गया इसका आधा हो गया। तो ये जो कोण था ये 90 डिग्री का था और उसका आधा ये हो गया, 90 का आधा 45 डिग्री। तो इन रेखाओं को हम मार्कर से मार्क कर लेंगे। तो 0 और 90 का आधा 45 और ये 90 है
90 के बाद 45 जोड़ा तो 135 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। इस तरह से आपकी डिग्री घड़ी तैयार है। ठीक है बच्चों, ये आपकी डिग्री घड़ी तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे इन आकृतियों के कोणों को मापना डी या प्रोटेक्टर की सहायता से। इसके लिए आपको अपनी नोटबुक पे कुछ आकृतियां बनानी है। आपको जिस भी आकृति का कोण मापना है उस आकृति के कोने और डी के जिस भाग को गोला लगाया गया है उसको मिलाना है, फिर आप कोण को माप सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इन दोनों को हमें मिला देना है, इस तरह से मिलाना है। इसके साथ साथ अभी पूरा नहीं हुआ है, डी की 0 डिग्री वाली रेखा और कोण की किसी भी एक भुजा को भी मिलाना है। देखिए मैंने गोला लगा रखा है, आप इसको भी मिलाइए और फिर कोण को मापेंगे आप। अगले चित्र में इसको और भी क्लियर होगा आपको। इस त्रिभुज के ऊपर जब डी को रखा तो हम देख सकते हैं कि ये जो कोण है ये 46 डिग्री का है। तो अब आप सभी भी इस तरह से कोणों को प्रोटेक्टर या डी की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। इसी तरह से आप अन्य आकृतियों के कोणों को माप सकते हैं। तो अभी आप सब डी का प्रयोग भी सीख गए हैं। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। तो बच्चों बाय। तो दोस्तों अब तक जो क्लास में मैम ने हमें सिखाया उससे जुड़े प्रश्न हम अब एक दूसरे से पूछेंगे और देखेंगे कि कौन सही उत्तर देता है। तो अभी खेल शुरू करते हैं, सभी एक एक प्रश्न पूछेंगे। अभी बोर्ड पर 2 आकृतियां हैं, बताओ कि इनमें से कौन सी आकृति बंद है। आकृति क्या बंद है, क्योंकि इसके अंदर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। तुमने बिल्कुल ठीक बताया। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगा। दूसरा प्रश्न है, किसी बहुभुज की 2 भुजाओं के बीच में जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं। क्या कोण और क्या है भुजा, उसे तो कोण कहते हैं, इसका अर्थ है क्या सही है। अब तीसरा प्रश्न मैं पूछूंगा। ये जो आकृति दिखाई गई है इस आकृति में जो कोण बन रहा है वह कैसा कोण है। यह तो एक समकोण है, क्योंकि एक भुजा दूसरी भुजा पर बिल्कुल सीधी एल की तरह खड़ी है, तो ये एक समकोण हुआ। अब इस घड़ी की सुइयों के बीच में बताओ कि कोण कैसा है, ये एक समकोण है या समकोण से कम है या समकोण से ज्यादा है। ये तो समकोण से कम है, दोनों भुजाएं समकोण की अपेक्षा बहुत पास पास हैं, तो ये समकोण से कम है। तो बच्चों तुम सब बहुत अच्छे से सीख गए हो, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई किया करो। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।